हेलो प्रणाम माँ आशीर्वाद बेटा। अच्छा जी, मैं हिमाचल से ही बात कर रही हूँ अच्छा कैसे जी। करोगे? मेरे काम सारे अटकते रहते हैं, मुझे परेशानी रहती है। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे वहां भी परेशानी रहती है, मुझे घर में भी, मेरे दिमाग में परेशानी चलती रहती है, मेरे सारे काम अटकते रहते हैं आपका जीवन ना बेटा जी विवाह के बाद ही कष्टकारी बन गया, क्योंकि जी आपने अपनी लाइफ में सब कुछ समझा, लेकिन आपको समझने वाला ना परिवार में समझ में आया, ना समाज में समझ में आया, ना ऑफिस में समझ में आता है। जी मतलब अभी कार्य क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ हाँ, तो सभी लोग आपसे जुड़ते जरूर हैं, लेकिन स्वार्थ की भाव रखते, स्वार्थ की भावना रखते, हाँ जी और बड़े प्यार से आपको अपने दो मीठे बोल के आगे आपको वशीभूत कर लेते हैं, और आप वशीभूत हो जाते हैं, फिर घाटा खाते हैं आप, घाटा प्राप्त करते हैं उनसे, जी और फिर अकेले ही परेशान होते हैं, आपके साथ कोई परेशान नहीं होता, हाँ जी, ऐसा ही है अपनों ने ही धोखा दिया है आपको, और अभी भी दे ही रहे हैं। हाँ जी। भरोसा करके आपने बहुत बड़ी गलती कर लिया है, ये तो पछतावा बार बार होता है आपको। होता है काश हम जहां थे वहीं ठीक रहते, लेकिन आज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, तो ये गलती का पश्चाताप तो आपको रहेगा, आपने किए हैं कि नहीं गलती बताइए। जी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अब हम कहीं के नहीं रह गए साला, पैसा ही सब कुछ नहीं होता हमारे जीवन में, ऐसा भी महसूस करती हैं आप, हाँ जी, ये ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है और ये परिस्थितियां जिसको भी आप अपना बनाना चाहती हैं, चाहे परिवार का हो चाहे मित्र मंडली हो, वो अपना होता ही नहीं है। अभी। हाँ, यही स्थिति है अभी। अपना काम निकल गया कि नमस्ते करना भी भूल जाते हैं, हाँ जी याद ही नहीं रहता कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। मतलब बहुत कुछ किया है, लेकिन आपका किया उनके लिए मायने नहीं रख रहा है। तो हाँ जी ऐसी परिस्थितियां जो बनती हैं, उसका जो मूल कारण है जी वो है पितरों का दोष, प्रेत आत्माओं का दोष। जी कई बार आपको आभास होता है कि मेरे साथ कोई है, कोई शक्ति चल रही है, जी मुझे जब मैं सो जाती हूँ, मुझे स्वप्न में पूर्वाभास होते हैं। हाँ कोई है, आप अकेले नहीं हैं, और उनका साथ आपके पास है, आपके साथ है, लेकिन है तो वो दिखे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हाँ जी पूर्ण रूप से है भी और नहीं भी है ये महसूस करती हैं आप, हाँ जी और वो आपको किसी के साथ नहीं रहने देती है, वो शक्ति किसी के भी साथ आपके जो है मधुर व्यवहार नहीं बनने देती है वो शक्ति, हाँ जी और वो शक्ति है प्रेत शक्ति, जो आपको आभास कराती है कि मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू मुझे समझ, लेकिन आपके अंदर उस शक्ति को समझने की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि आप उस योग्य पहुंचे नहीं है, तो उस प्रेत शक्ति को आप कहाँ पहचान पाएंगे, कहाँ आप समझ पाएंगे? आपको जो मनुष्य रूप में जो दिखते हैं आप उनको जानती हैं समझती हैं, जो पशु रूप में दिखते हैं, पक्षी के रूप में दिखते हैं, जो भौतिक जगत में जो दिख रहा है वो आप जानती हैं, जी लेकिन जो इनसे हटके जो अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है, और निद्रा अवस्था में तो वो पूरा पूरा साथ देती है आपका, जी और ये है प्रेत शक्ति, पितरों की शक्ति। तो इन प्रेत शक्तियों से आपको मुक्ति पाना है और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करें, बाबा महाकाल की आराधना करें, क्योंकि ये काल से मुक्त कराने के लिए आपको दीक्षा लेकर के माँ भगवती की आराधना प्रारंभ करें, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। जी और यह ऐसा नहीं है कि प्रेत आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता, मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिलता, मनुष्यों को भी मोक्ष मिलता है, प्रेत आत्माओं को भी मोक्ष मिलता है, जी लेकिन जब इनकी मुक्ति का मार्ग तभी प्राप्त होता है जब आपके कर्म
कई जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय काल का समय आता है। आपने दुख उठाया, ये भी पूर्व काल का था लेखा जोखा। अब सुख भोगेंगे, ये भी पूर्व काल का ही लेखा जोखा कि इतने समय बाद आपको सुख मिलेगा, इतने समय बाद आपको दुख मिलेगा। लेकिन दुख के दिन आपके बीत रहे हैं, सुख के दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं जी। भी सकते हैं। तो दीक्षा लेकर के माता रानी की आराधना करें और उसके बाद में माँ बगलामुखी देवी की आराधना स्वयं भी करें और अनुष्ठान भी करवाएं और इन सब कष्टों से मुक्त पाएं। आपका जीवन मंगलमय होगा।